मैं अमित कपूर, पेरेंट एसोसिएशन जम्मू प्रेसिडेंट। जैसा कि आप सब जानते हैं, आपने देखा ही होगा, रोडों पे बच्चे, 10th क्लासेस के जो बच्चे हैं वो रोडों पे प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए हैं आपको। और बहुत से लोगों के मैंने कमेंट्स देखे जो ये कह रहे थे कि ये वो बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाए, ये बच्चे जो है वो नालायक बच्चे हैं जो रोडों पे हैं। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, ये बिल्कुल सरासर गलत, आपके जो कमेंट्स हैं टोटल गलत है। मैं बताता हूँ कैसे। आप सच बोलना सीखिए। और मैं गवर्नमेंट को भी कहना चाहता हूँ, हमारी जम्मू कश्मीर की बीजेपी गवर्नमेंट, एलजी गवर्नमेंट साहब को कहना चाहता हूँ, आप इस चीज को मानिए कि आप जो है वो ऑनलाइन स्टडी में टोटल विफल हो चुके हैं। क्योंकि मैं आपको याद करवाना चाहता हूँ कि आपका जम्मू कश्मीर में आपके जो 2G नेट चल रहा था, दिसंबर तक 2G नेट रहा, और उसके बावजूद आप लोगों के 70% नहीं, 90% जो स्कूल्स हैं वो जूम क्लासेस दे ही नहीं पाए। जब आप जूम क्लासेस में ऑनलाइन स्टडी दे ही नहीं पाए, आप लोग एक फोटो खींच के बुक से तो आप व्हाट्सएप पे फोटो भेज देते थे। तो मैं पूछना चाहता हूँ, आपकी कौन सी आपके बच्चे हैं जो ऑनलाइन स्टडी कर पाएंगे उससे? आप ऑनलाइन स्टडी व्हाट्सएप पे बुक्स के एक फोटो खींच के भेज दें। 90% स्कूलों ने ऐसे किया क्योंकि 2G चल रहा था, बहुत से बच्चों के पास मोबाइल्स नहीं थे, वाईफाई के कनेक्शन नहीं थे, लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, और सभी बच्चों के जो माँ बाप हैं वो पढ़े लिखे नहीं है जम्मू में। जम्मू में मैक्सिमम जो एरियाज है वो रूरल एरियाज है, फ्लंग एरियाज है। तो आप बताइए कैसे बच्चे पढ़ पाते? जब गवर्नमेंट ऑनलाइन स्टडी देने में विफल हो चुकी थी, जब गवर्नमेंट करवा ही नहीं पाई ऑनलाइन स्टडी, तो आज आपने बच्चे फेल कर दिए। और वो भी किस बिना पे फेल किए कि दो पेपर लेकर आप बच्चों को सारे सब्जेक्ट फेल कर रहे हैं। और सबसे बड़ी नलायकी जो है हमारे स्कूल्स की है, वो क्या नलायकी है? स्कूल्स ने कहा कि CBSE वाले जैसे 40% सिलेबस जो है वो डाउन कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, 60% सिलेबस पे ही पेपर होंगे। उसी के हिसाब से प्राइवेट स्कूल के बच्चों को भी यही बोला गया कि 60% सिलेबस के हिसाब से आपके पेपर होंगे, आपको जो मार्क्स है वो 60 के हिसाब से दिए जाएंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं, 60 के हिसाब से जिन बच्चों के 20 या 33 मार्क्स आए हुए हैं, तो उनको बच्चों को पास क्यों नहीं किया गया? ये सिर्फ और सिर्फ एक नेक्सस है। वो नेक्सस क्या है? गवर्नमेंट ये चाहती है कि कोई भी इनके पास जॉब देने के लिए इनके पास वैकेंसी नहीं है, तो इसीलिए चाहते हैं कि बच्चे फेल कर दिए जाएं, हम अपनी विफलता नहीं बताएं। तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कहना चाहता हूं, आपने स्टार्टिंग में कहा था जब COVID-19 आया था कि 12 चैनल्स हम लाएंगे, हर एक घर घर में टीवी है, पहाड़ों पे टीवी है, हर एक घर घर में टीवी है, हम 12 चैनल्स लाएंगे और बच्चों को ऑनलाइन स्टडी करवाएंगे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज 2 साल हो चुके हैं, कोई एक चैनल पर भी ऑनलाइन स्टडी नहीं करवाई गई। जब आप ऑनलाइन स्टडी करवा ही नहीं पाए, आप 10th क्लास के 2 पेपर लेकर सभी सब्जेक्ट फेल कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं कि जम्मू में अनपढ़ता जो है वो ज्यादा बढ़े? जम्मू में अनपढ़ता ज्यादा बढ़े ताकि कश्मीर हमसे ऑलरेडी आगे है। कश्मीर में आप मास प्रमोशन दे सकते हैं, महाराष्ट्र में आप मास प्रमोशन दे सकते हैं, और अदर स्टेट्स में आप मास प्रमोशन दे सकते हैं। आप CBSE के बच्चों को मास प्रमोशन दे सकते हैं, आप 11th क्लास के बच्चों को मास प्रमोशन दे सकते हैं। तो जम्मू के बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम है जेके बोस को? ये सारी की सारी नलायकी एजुकेशन डिपार्टमेंट की है और जेके बोस की है। तो इसलिए LG साहब को समझना होगा, इन बच्चों को मास प्रमोशन देनी होगी, नहीं तो पेरेंट एसोसिएशन जम्मू आज ही कटरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई है, इन बच्चों के साथ है। आज हमने चंद बच्चे बिठाने के लिए जितनी जगह थी हमने उतने ही बच्चे बिठाए। हम नहीं चाहते कोई भी ऐसा बच्चा कोई गलत कदम उठाए, बच्चों को गलत कदम उठाने की जरूरत नहीं, बच्चों के साथ है हम। बच्चों को एक पीसफुल प्रोटेस्ट और हमें एक हंगर स्ट्राइक पे बैठना पड़ेगा। मैं जम्मू के सभी बच्चों को कहना चाहता हूं, 8899714901 मेरा नंबर है, मुझे कांटेक्ट करें। हमें एक हंगर स्ट्राइक पे बैठना पड़ेगा, एक आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, फिर जाकर इन लोगों को समझ आएगी इनकी तानाशाही जो है वो 10th क्लास के बच्चों पे नहीं चलेगी। देखिए आज 40% जो बच्चे हैं इन्होंने फेल कर दिए हैं, और सबसे बड़ी नलायकी जो है सेकंड नंबर पे प्राइवेट स्कूल्स आए हैं। आप मुझे बताइए किस तरह से आप कह सकते हैं कि ऑनलाइन स्टडी व्हाट्सएप पे बुक से आप फोटो खींच के आप व्हाट्सएप पे बच्चे को भेज देंगे क्योंकि 2G चल रहा था हमारा, तो आप किस तरह बच्चे को कह सकते हैं कि आप ऑनलाइन स्टडी में फेल हुए, आप ऑनलाइन स्टडी कर नहीं पाए? आप बच्चे नलायक है? बच्चे नलायक नहीं, ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन नलायक है, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट नलायक है, ये LG गवर्नमेंट नलायक है, हमारी BJP गवर्नमेंट नलायक है। क्योंकि BJP गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्शन दे रही है और कांग्रेस वहां पे राजनीति कर रही है।
मैं कांग्रेस को पूछना चाहता हूं कि आपने राजनीति की बच्चों का साथ दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको तिरंगे का अपमान क्यों नहीं दिखाई दिया? एक जब 10th क्लास के बच्चे रोडों पे पुल के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे थे तो कुछ मीडिया चैनल्स ने उनको जो सच्चाई थी वो बताई, लेकिन उसको इस तरह से घुमाने की कोशिश की गई उस प्रोटेस्ट को। आप देखिए वहां पे एक सरदार लड़का जो है वो स्विफ्ट गाड़ी में से उतरता है, उतर कर उस 10th क्लास के छोटे से बच्चे को धड़ाधड़ चांटे मार देता है, और हमारे देश का तिरंगा, हमारी शान, उसको नीचे रोड पे फेंक दिया जाता है। और किसी पार्टी के मुंह से यह बात नहीं निकली कि उस लड़के पे FIR लगनी चाहिए और देशद्रोही का उस पर मुकदमा चलना चाहिए। आखिर क्यों नहीं किया गया? आखिर क्यों 10th क्लास के बच्चों के साथ सियासत की जा रही है? तो मैं LG साहब से अपील करना चाहता हूं, यही हमारे देश का फ्यूचर है, यही 10th क्लास एक वो क्लास होती है जब बच्चों का फ्यूचर साबित होता है, बच्चों का भविष्य साबित होता है कि उसने आगे पढ़ना है या नहीं पढ़ना। आपके इस फैसले से कई बच्चे जो है वो अनपढ़ ही रह जाएंगे आगे, माँ बाप के पास COVID-19 के कारण आगे पढ़ने के लिए बच्चों के पास पैसा नहीं होगा, पेरेंट्स के पास पैसा नहीं होगा। सर मैक्सिमम आप देखिए जम्मू में आप सिटी, चंद छोटी सी तो सिटी है हमारी, मैक्सिमम जो है रूरल एरिया ज्यादा है जहां पे 2G का नेटवर्क था ही नहीं। जब 2G का नेटवर्क नहीं था, आपने कोई मोबाइल प्रोवाइड नहीं करवाए, फीसें धड़ाधड़ ली, हर तरह से गवर्नमेंट भी विफल हो चुकी, प्राइवेट स्कूल भी विफल हो चुके ऑनलाइन स्टडी देने में, तो आप किस तरह बच्चों को नलायक कह सकते हैं? मैं तो मानता हूं ये गवर्नमेंट नलायक है, ये LG गवर्नमेंट जो है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो नलायक है, जो एजुकेशन दे ही नहीं पाया। सबसे बड़ा घोटाला हुआ इसमें, मैं आपको बताता हूँ क्या घोटाला हुआ। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि 12 चैनल्स लाएंगे पूरे इंडिया में जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे को ऑनलाइन स्टडी करवाएंगे, चाहे वो प्राइवेट स्कूल के हो चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल के हो। क्यों नहीं आए 12 चैनल्स? क्यों वो 1200 करोड़ रुपए का फंड्स वहीं का वहीं पड़ा रहा एजुकेशन के लिए? तो ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों को फेल करना गलत है। तो मैं LG साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि LG साहब बच्चों को मास प्रमोशन दी जाए। मास प्रमोशन देने से ये वो बच्चे हैं जिनका भविष्य जो है वो आप लोगों के हाथ में है, और हमारे जम्मू के साथ नाइंसाफी ना की जाए, क्योंकि महाराष्ट्र में आप मास प्रमोशन दे सकते हैं, CBSE के बच्चों को मास प्रमोशन दे सकते हैं, तो जम्मू में JK बोस को क्यों नहीं दे सकते? तो मैं LG साहब को कहना चाहता हूं आपके पास 3 दिन का टाइम है, आप जल्दी से जल्दी मास प्रमोशन दीजिए, नहीं तो हमें सभी बच्चों जम्मू कश्मीर के बच्चों को लेकर एक हंगर स्ट्राइक पे जाना पड़ेगा। उस सबकी जिम्मेवारी जो होगी, आपको बच्चों के साथ कोई गलत होता है या हमारे साथ कुछ गलत होता है तो जिम्मेवारी गवर्नमेंट को होगी, क्योंकि ये बच्चे जो हमारे देश का फ्यूचर है, हम इनके पीछे लड़ना नहीं छोड़ेंगे। सर एक आखिरी सवाल रहेगा कि आप पेरेंट एसोसिएशन के हेड हैं, और कहीं ना कहीं जो प्राइवेट स्कूल्स जो फीस लॉकडाउन के चलते बच्चे घर पे थे उनसे जो फीस वसूल रहे हैं और जिन्होंने वसूली है उनके लिए आपके एसोसिएशन क्या? देखिए मैं आपको फिर कहने जा रहा हूँ कि मैं फिर बार बार ये रिक्वेस्ट करता हूँ, सबसे पहले अपने अपने स्कूलों में JKFFC का अप्रूवल मांगिए। बिरला ओपन स्कूल, ध्यान से सुनिएगा, बिरला ओपन स्कूल श्रीनगर में ट्यूशन फीस उसकी थी, उसमें से 50% ट्यूशन फीस उसकी रिड्यूस होगी। IDPS स्कूल जम्मू में, उसकी जो है वो 30% फीस जो है वो रिड्यूस होगी, क्योंकि उनके पेरेंट्स जो थे वो उजागर थे, उन्होंने अपने स्कूल से JKFFC का अप्रूवल मांगा। जम्मू कश्मीर फीस सेशन कमेटी का अप्रूवल जब तक नहीं हो आप लोग फीस मत दीजिए, सिवाय ट्यूशन फीस, ये मैं ट्यूशन फीस के अप्रूवल की बात कर रहा हूँ, बाकी कोई एडमिशन फीस, एनुअल फीस, कैपिटेशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस या कोई भी कंप्यूटर फीस, कोई फीस आपसे स्कूल वाला नहीं ले सकता। अगर आपसे उसके बावजूद भी मनमानी होती है ट्यूशन फीस भी आप लोग मत दीजिए जब तक ये अप्रूवल ना दें, क्योंकि अप्रूवल होता है कि हम मंथली कितनी फीस ले सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं ट्यूशन फीस के 5 कंपोनेंट्स होते हैं। जब 5 कंपोनेंट में से आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, एक सब्जी से खाना खाते हैं, तो क्या आप पूरे रेस्टोरेंट का बिल देते हैं? जब आप सिर्फ टीचर यूज कर रहे हैं, हम टीचरों के खिलाफ नहीं, हम ऑनलाइन स्टडी की टीचरों को सैलरी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सिर्फ टीचर की फीस, ना कि उनके इलेक्ट्रिसिटी बिल, उनके वाटर सप्लाई बिल, उनके स्कूल के खर्चे, उनके स्कूलों के मालिकों के प्रॉफिट, हम वो नहीं देंगे। तो इसलिए ये समझना होगा हमारी LG गवर्नमेंट को, हमारे जम्मू के साथ सुतेला व्यवहार ना किया जाए जो ऑलरेडी 70 सालों से होता आ रहा है। तो इन बच्चों के साथ इंसाफ किया जाए, इनको मास प्रमोशन दी जाए, नहीं तो हम हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे, उसके बाद हमारे साथ कुछ होता है या बच्चों के साथ कुछ होता है उस सबकी जिम्मेवारी जो होगी वो सरकार की होगी।